चेतन भगत ने अपने इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी की तीन कमियां बताई हैं जो कि फैशिज्म की तरह इशारा करती हैं। तो आइए देखते हैं। चेतन जी, आप लेखक हैं और मैं पत्रकार हूं, इसीलिए आप ही की बात पर पलटकर आप ही से सवाल करती हूं। जितना मुझे याद है, एक वक्त पर आपने मोदी जी की बहुत प्रशंसा की थी और लगभग लोग ये मानते थे कि आप उनके स्टाइल के फैन हैं। आपको उनमें क्या तीन बुराइयां नजर आती हैं? ठीक है, तो उनकी तीन खामियां ये है। एक तो आई थिंक, पहली बात तो आप सही कह रही हैं, उनमें कई क्वालिटीज हैं जो आज तक किसी, मतलब एटलीस्ट मेरे, जब से मैं, मेरा जन्म हुआ, मैंने किसी प्रधानमंत्री में ऐसी क्वालिटीज वो वाली उनमें नहीं देखी। अगर आप, लेकिन आपका सवाल ये है कि उनकी कमियां क्या है, तो मैं बता सकता हूँ। एक तो बहुत सेंट्रलाइज कमांड है, एक ही आदमी फैसला करता है, और ऐसा एक है कि कभी भी मैंने किसी भी मिनिस्टर को या उनकी टीम के किसी सदस्य को उनसे डिसएग्री करते नहीं सुना और कोई सुझाव देते नहीं सुना कि हाँ नहीं, जो अलग सोचते वो इनकरेज नहीं करते, और उस वजह से वो ऊपर से फैसला होता है। और अगर वो फैसला कई बार जैसे गलत है या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन की जरूरत है, वो नहीं हो पाता। जैसे माइग्रेंट लेबर का भी इशू बना हुआ है इतना बड़ा देश में, तो लोग कहते हैं कि इसके बारे में हम सोच सकते थे कि अब क्या करना है, लेकिन शायद इतनी सोच नहीं रखी गई। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इतने बड़े देश को एक ही आदमी को हर फैसला करने चलाने का ये बेस्ट तरीका नहीं है। आपके पास एक बढ़िया टीम होनी चाहिए जिसको आप इतना ट्रस्ट कर सको कि हाँ भाई, ये तू संभाल, ये तू संभाल, ये तू संभाल, और अगर देखो लग रहा है मैं ठीक नहीं सोच रहा तो तू बता। मेरा को ये लगता है, पर ये मेरी राय है, मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ, लोगों ने उनको चुना है तो शायद लोगों को उनका स्टाइल पसंद है। आई थिंक एक वो है। आई थिंक दूसरा ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी चाहिए। अब वो जमाना नहीं रहा कि आप कभी प्रेस से बात ना करें। हो सकता है प्रेस में कोई कमियां भी हों, वो कुछ उल्टे फुलटे सवाल भी पूछे, लेकिन कोई भी आप बड़ी डेमोक्रेसी देखें यूरोप की या यूएस की, तो वहाँ यू नो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, वो होनी चाहिए। और तीसरा ये कि पूंजीवाद जो कैपिटलिज्म है, हमारी जो इकोनॉमी है, इस पे ध्यान नहीं दिया गया इतना इतना देना चाहिए था। कहने को दे रहे थे, लेकिन जो पॉलिसीज हैं, जो नीतियां बनी हैं, वो उससे इतनी जीडीपी ग्रोथ नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। ये कोरोना से पहले की बात कर रहा हूँ, और उसका आज हम थोड़ा भुगत भी रहे कि हमारी जब लॉकडाउन हुआ है, सारी इकोनॉमी दुनिया भर के बुरे हाल है, लेकिन हमारे ज्यादा बुरे हाल। तो लीजिए, मैं बोल सकता हूँ, जबकि मैं उनके, कई बार आप कहते हो कि मैं उनकी तारीफ ज्यादा करता हूँ, लेकिन मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि ये कमी है। एंड आई थिंक ऐसी कमियां जब तक लोग नहीं बोलेंगे, तब तक देश बदलेगा कैसे? हम कैसे अच्छे सुझाव नहीं देंगे? तो ये चमचागिरी या नफरत में क्या क्या चीज क्या उखाड़ लोगे?